हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित है। इस वीडियो में 2000 पदों के बारे में बताने वाला हूँ। नॉन टीचिंग के 2000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैनल के द्वारा वेबसाइट बनाया गया है। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है govtjobsforyou.org। इस वेबसाइट पर सरकारी नौकरी से रिलेटेड, प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है और जो नोटिफिकेशन आता है वह नोटिफिकेशन भी इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार सरकारी नौकरी से रिलेटेड जॉब्स देख सकते हैं, इसलिए वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर का लिंक मिलेगा। आपकी इच्छा है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना आज से ही शुरू हुआ है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 27/9/2023 तक है। एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है 27/9/2023 तक है। इसके लिए कई एग्जाम हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एग्जाम हैं। तो हम बात करें कि एग्ज़ाम कब होगी। तो एडमिट कार्ड जो है आपको अक्टूबर 2023 के अंत तक आ सकता है या सेकेंड वीक अक्टूबर में एडमिट कार्ड आएगा, संभवतः यह तिथि है। ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम होगा जो नवंबर 2023 में होगा। इसके अलावा रिजल्ट है नवंबर और दिसंबर 2023 में प्री एग्ज़ाम का आ जाएगा। डाउनलोड एग्जामिनेशन कॉल लेटर नवंबर और दिसंबर 2023 है। फेज सेकेंड का जो मेन एग्ज़ाम है दिसंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में होगा और रिजल्ट जो है दिसंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में रिजल्ट भी आ जाएगा। अब फेज थ्री में जो कॉल लेटर जो जनवरी और फरवरी 2023 में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फेज थ्री में जो टेस्ट है वो जनवरी या फरवरी 2024 में होगा। इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन यानी एक्सा सीरीज जो है ये जनवरी और फरवरी 2024 में होगा और फाइनल रिजल्ट जो आएगा फरवरी मार्च 2024 में आ जाएगा। कॉल लेटर प्री एग्ज़ाम के लिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक के बीच में होगा और प्री एग्ज़ाम जो है सेकेंड वीक अक्टूबर में हो सकता है। अब हम बात करें कि यह जो पद हैं कुल 2000 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो करंट वैकेंसी की हम बात करें तो एससी कैटेगरी में 300 पद हैं, एसटी कैटेगरी में 150 पद हैं, ओबीसी में 540 पद, ईडब्ल्यूएस में 2 पद, जनरल कैटेगरी के लिए 810 पद हैं। टोटल 2000 पद हैं। इसमें बीआई के लिए 20 पद, एचआई के लिए 36, एलडी के लिए 20 और डीएनई के लिए 36 पद हैं। तो यह तो है पद से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब मैं बात करता हूँ इस पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये थोड़ा सा मैं जूम कर दिया हूँ जिससे कि आपको भी दिखाई दे, क्योंकि इसमें बहुत बारीक सा लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन यानी किसी भी संस्था से या कहीं से भी आप ग्रेजुएशन के और क्वालिफाई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि सेंट्रल या यदि आप अपेयरिंग में हैं यानी कहीं भी ग्रेजुएट में आप एडमिशन लिए हैं फाइनल ईयर या सेमेस्टर, फाइनल ईयर का जो सेमेस्टर है यानी आप अपेयरिंग में हैं तो भी आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ग्रेजुएशन अपेयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन जो पास आउट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे और भी डिटेल जानकारी, क्योंकि यह जो 2000 पद हैं तो इतने से सेटिस्फाई नहीं होगा। इसमें जब तक पूरी जानकारी नहीं बताएंगे तब तक सेटिस्फेक्शन आपको भी नहीं मिलेगा। इसमें मैं सिलेबस के बारे में अभी बताने वाला हूँ कि इसमें सिलेबस भी दी गई है कि सिलेबस क्या है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो प्रश्न है मल्टीपल चॉइस का प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें जो डिटेल जानकारी दिया है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह वीडियो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। एग्जामिनेशन सिटी की हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन सिटी कहाँ कहाँ पे बनाया गया है। तो इंडिया में जगह जगह एग्जामिनेशन सेंटर हैं और सेंटर का जो नाम है वो मैं आपको अभी बताऊँगा। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि आखिर इस पद के लिए आपको पेमेंट कितना मिलेगा, यह जानना सबसे ज़रूरी है। तो देखिए प्रजेंट आपके स्टार्टिंग बेसिक पे जो आपको मिलेगा 41,960 रुपये आपको मिलेगा और पे स्केल जो है
3600 वाला है, यानी 36,000 है, और 149027 दिया है, यानी 46,430 रुपये हैं। इसमें जो डिटेल जानकारी अलग अलग दिया है, इसके अलावा इसमें DA, HRA, CCA, PF कंट्रीब्यूशंस भी हैं, NPS हैं, LFC मेडिकल फैसिलिटी, अदर डिटेल जानकारी भी है इसमें। तो यह तो सब डिटेल जानकारी है। अब ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एंड करियर पाथ से रिलेटेड डिटेल जानकारी दी गई है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन शुल्क से रिलेटेड, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एप्लीकेशन फीस हैं जो 750 रुपये एप्लीकेशन फीस हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और SC ST कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम परमिशन नंबर ऑफ चांस की बात करें तो जनरल और EWS के लिए 4 चांस हैं, जनरल PWD EWS के लिए 7 साल का, और अदर जो कैटेगरी है सबको 7 साल चांस मिलेगा। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, यानी अब अंतिम तिथि है 27/9/2023, यहाँ पे गाइडलाइन दिया है, तो अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले गाइडलाइन को तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए जो एग्जामिनेशन सिटी की हम बात कर रहे थे, टेंटेटिव लिस्ट दी गई है, जो इंडिया में प्रत्येक ज़िले में यह सेंटर लगभग बनाया गया है। 45 सेंटर्स इसमें अभी शो हो रही है, तो 45 सेंटर बनाया गया है, और 45 हैं, और इसके अंदर जैसे उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, इलाहाबाद, बरेली, बांद्रा, फरीदाबाद, इस तरह से, ये तो स्टेट का मैं नाम बताया कि इतने स्टेट हैं, 45 इसमें दी गई है, जिसमें मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, उनसा, पांडिचेरी, पंजाब से लेकर पूरे सिटी का नाम दी गई है। तो यह सब सेंटर बनाया गया है, और इसमें जैसे ही आप जाएंगे तो इसके अंदर सब सेंटर भी बनाए गए हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये तो आपको पता ही होगा। अब मैं बात करता हूँ और डिटेल जानकारी, क्योंकि आधे तो मैं इधर इस आधे साइड का मैं अभी तक बताया था, अब मैं इधर से लेता हूँ, जो सिलेबस वलेबस से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं और डिटेल जानकारी, जैसे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता दिया था, इस तरह से एज लिमिट की बात करते हैं, तो शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल एज लिमिट में छूट है, बैकवर्ड के लिए 3 साल हैं, PWD SC ST के लिए 15, PWD OBC के लिए 13, और PWD जनरल EWS के लिए 10 साल छूट है, एक सर्विस मैन के लिए 5 साल की छूट है। इसके अलावा इसमें लोग विजन वाले हैं, ब्लाइंडनेस हैं, विजुअल वाले हैं, सबको इसमें छूट दी गई है। यहाँ पे एक डिटेल जानकारी दी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो प्री एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट जो है 3 सेक्शन में आपका है, जिसमें जनरल इंग्लिश से रिलेटेड 30 प्रश्न, क्वांटिटी एटीट्यूड से रिलेटेड 35 प्रश्न, और रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड 35 प्रश्न। इस तरह से आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा, और 100 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है, एक घंटे का टाइमिंग रहेगा आपके पास, और 20-20 मिनट प्रत्येक पार्ट यानी सेक्शन को आपको मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा पार्ट सेकेंड मेन एग्जामिनेशन की बात करें, फेज सेकेंड में, तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रिलेटेड 40 प्रश्न हैं, जो 50 अंक के होंगे, 50 मिनट मिलेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड 30 प्रश्न हैं, जो 50 अंक का है, और 45 मिनट टाइमिंग है। जनरल और इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड 50 प्रश्न पूछा जाएगा, जो 60 अंक का है, और 45 मिनट मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 35 प्रश्न पूछा जाएगा, 40 अंक का है, और 40 मिनट मिलेगा। इस तरह से 155 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 200 अंक का आपका पेपर होगा। इसके अलावा एक पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग और एसे से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछा जाएगा, और प्रत्येक प्रश्न यानी 25 अंक का है, और 50 अंक है टोटल। इस तरह से 3 घंटे में आपको 250 अंक का पेपर होगा, और इसके लिए 30 मिनट मिलेगा, और टोटल 3 घंटे हैं आपके, ऊपर के लिए 3 घंटे हैं, और ये 30 मिनट ये यानी 330। इसके बाद आपका इंटरव्यू भी है, मैक्सिमम मार्क्स ग्रुप एक्स एक्सरसाइज यानी जो ग्रुप और डिस्कशन है उसके लिए 20 अंक हैं, और इंटरव्यू के लिए 30 अंक। इस तरह से यह 50 अंक हो गया। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो है मेन एग्जाम के लिए 250 और नॉर्मलाइज मार्क्स 75 हैं, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू के लिए 50 और 25 हैं, तो टोटल 300 प्लस 100 400 का आपका पेपर बन रहा है। तो इस तरह से यह डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। यह जो वैकेंसी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आया है, यानी SBI में आवेदन आमंत्रित किया गया है, प्रोफेशनल ऑफिसर का पद है।
इसके बाद और जो डिटेल जानकारी है वो तो आप देख ही सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। यह जो नोटिफिकेशन आया है SBI के थ्रू आया है और रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किया।